हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त चित्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम ट्रोलिंग सेलिब्रिटीज। अगर देखा जाए तो हमेशा ही वी टाउन सितारों से लेकर टीवी जगत की हसीनाएं भी अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर ट्रोलिंग का शिकार हो जाती हैं। तो वहीं आज इस खास प्रोग्राम के जरिए हम उन्हीं हसीनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर अपने अटपटे कपड़ों के चलते अपने फोटोशूट तक ट्रोलिंग का शिकार हो जाती हैं। बता दें कि टीवी एक्ट्रेस सारा खान भी इन दिनों अपने फोटोशूट को लेकर लगातार ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। अब क्यों हो रही हैं वो इस तरह से ट्रोल, ये हम आपको बताएंगे इस खास प्रोग्राम के जरिए। तो साथ ही साथ इन दूसरी हसीनाओं से भी आपको रूबरू कराएंगे जो यूं तो अपने लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन कई बार इनका जो अंदाज पसंद नहीं आता फैंस को, तो फैंस इन्हें खूब लताड़ना भी शुरू कर देते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। अब जहां हम अक्सर ही बॉलीवुड स्टार से लेकर छोटे पर्दे के स्टार्स के लाइफस्टाइल के बारे में बात करते ही रहते हैं, अगर देखा जाए तो हमारी ये बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने ट्रोलर को लेकर भी चर्चाओं में रहते हैं। दरअसल आज इस खास रिपोर्ट के जरिए हम उन हसीनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो लगातार ही ट्रोलिंग का शिकार हुई है। तो यहाँ दरअसल जहां हाल ही में एक्ट्रेस सारा खान जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा लगातार ही बनते जा रही हैं, हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक वीडियो की शेयर जिसमें वो फोटोशूट कराती नजर आई। बता दें कि फैंस को उनके फोटोशूट का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके चलते उन्हें लगातार ही किया जा रहा है ट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी फोटोशूट में क्या बात रही जिसके चलते सारा खान को यूं ट्रोल किया जा रहा है। तो वहीं गौर कराना चाहेंगे कि जहां कुछ समय पहले उनके एक बाथटब वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपनी बहन के साथ नहाती हुई नजर आई थी, तो वहीं इस वीडियो के बाद उनका जो ये फोटोशूट सामने आया है इसमें वो काफी ग्लैमरस तो नजर आ रही है, साथ ही साथ आधे कपड़ों में नजर आई है सारा खान, जिसमें वो कॉटन के साथ पोज देती हुई नजर आई है। बता दें कि फैंस को उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके चलते उनकी तुलना कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत से की जा रही है। बता दें कि यूजर ने लिखा है कि राखी से दोस्ती करने का यही असर है। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि उन्होंने आज तक सारा को पूरे कपड़ों में नहीं देखा। तो वहीं कुछ कहते हैं कि तुमसे अच्छी राखी सावंत है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब सारा को ट्रोल होना पड़ा है। कुछ समय पहले उनका जो बाथटब वीडियो आया था सामने, उसे लेकर भी उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया, जिसके चलते सारा सफाई देती है कि यह वीडियो गलती से पोस्ट हुआ था। वहीं बता दें कि सिर्फ सारा खान ही नहीं बल्कि टीवी की कुछ और एक्ट्रेस भी हैं जो बुरी तरह से ट्रोलिंग का शिकार हो चुकी हैं। अगर बात की जाए स्टाइल क्वीन निया शर्मा के बारे में, जहां उन्होंने टीवी शो 1000ों में मेरी बहना है से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस शो में उनका एक क्यूट मस्ती भरा अंदाज देखा गया था, लेकिन वहीं इस शो से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी जो जगह इंडस्ट्री में बनाई वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन इसी बीच निया शर्मा को उनके स्टाइल के लिए, उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए ट्रोल भी होना पड़ता है। अब जहां अक्सर ही उनका ग्लैमरस तो नजर आता ही है उनकी तस्वीरों में, लेकिन कभी कभी निया शर्मा अपने मेकअप से लेकर ऐसे ड्रेसेस कैरी करती हैं जब फैंस काफी बुरी तरह परेशान हो जाते हैं और उनकी तस्वीरों को देखकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वहीं बता दें कि निया शर्मा फिर भी अपने ट्रोलर्स की परवाह किए बिना हमेशा ही अपने ही अंदाज में नजर आती हैं। फिर वो चाहे कलरफुल लिपस्टिक्स में नजर आए या फिर अपनी स्टाइलिश ड्रेसेस में, अगर देखा जाए तो वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा ही अपनी कोई ना कोई तस्वीर पोस्ट करती ही रहती हैं। फिर चाहे वो कहीं घूमती नजर आए या फिर किसी पार्टी में, लेकिन हमेशा ही उनका ग्लैमरस अंदाज तो सामने आता ही है। वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस सोनालिका भदौरिया के बारे में, बता दें टीवी शो देवों के देव महादेव में पार्वती की भूमिका निभाने वाली सोनालिका भदौरिया को उस दौरान ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा जब उन्होंने दिखने पहने हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी तस्वीरों को शेयर किया।
अब जहां वो एक तरफ एक शो में निभा रही थी पार्वती का किरदार, तो वहीं असल जिंदगी में उनका ये अंदाज देखकर फैंस हैरान रह गए थे, जिसके चलते उन्हें काफी बुरी तरह से ट्रोल किया गया। वहीं एक्ट्रेस रुबीना दिलैक भी इसी लिस्ट में शामिल है, जो फैंस की ट्रोलिंग का शिकार होने से नहीं बच पाई। बता दें कि टीवी शो छोटी बहू और शक्ति में अपने कैरेक्टर से लोगों के बीच पहचान बनाने वाले रुबीना को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इन्हें भी ट्रोलिंग का शिकार उस समय पर होना पड़ा जब इन्होंने बिकनी में फोटोशूट कराया और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अब जहां एक तरफ रुबीना दिलैक की एक पहचान थी संस्कारी लड़की संस्कारी बहू के जैसी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें हुई वायरल, वैसे ही इन्हें भी अपने फैंस से ही ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। अब अगर बात की जाए एक्ट्रेस श्रुति झा, जो टीवी शो कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा की भूमिका निभाती हैं, उनकी यह तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसके चलते वह ट्रोलिंग का शिकार भी हुई। दरअसल इस दौरान प्रतिज्ञा यानी श्रुति अपने फ्रेंड्स के साथ समुद्र की बीच पर मस्ती करती हुई नजर आई। हालांकि इन तस्वीरों के चलते उन्हें ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा था, लेकिन इसी लिस्ट में नहीं है यही स्टार शामिल, बल्कि रूपा दुर्गापाल यानी बालिका वधू की भूमिका निभाने वाली रूपा दुर्गा की तस्वीरें जब भी सोशल मीडिया पर सामने आई, उसी समय उन्हें फैंस के बीच ट्रोलिंग का बुरी तरह शिकार होना पड़ा। वहीं बता दें कि फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की लाडली बेटी पलक तिवारी भी इसी लिस्ट में शामिल है। पलक तिवारी जो श्वेता की लाडली बेटी हैं, उनकी जब कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो उन्हें फैंस की ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। हालांकि पलक को अभी भी किसी टीवी शो या फिल्म में नहीं देखा गया है, लेकिन अपनी माँ श्वेता के साथ उन्हें अक्सर ही चर्चाओं में देखा जाता है। अब अगर बात की जाए फेमस बहू हीना खान यानी अक्षरा के बारे में, बता दे कि अक्षरा को भी कई बार अपनी असल जिंदगी में ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि जहां एक समय पर उन्हें टीवी की सबसे संस्कारी बहू माना जाता था, तो वहीं जैसे ही उनका ग्लैमरस स्टाइलिश अंदाज असल जिंदगी में सबके सामने आया, वैसे ही फैंस हैरान रह गए, जिसके चलते उन्हें ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा था। अब आप जान गए हैं कि वाकई हमारी ये टीवी एक्ट्रेस जो स्टाइल में किसी से कम नहीं है, लेकिन कई बार इनका स्टाइल ही इनके लिए आफत बन जाता है, जिसके चलते इन्हें होना पड़ता है ट्रोलिंग का शिकार। छोटे पर्दे से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस सारा खान हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। अब बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें आई सामने, जिसमें वो काफी ग्लैमरस तो नजर आई, साथ ही साथ उनको अपनी इन्हीं तस्वीरों के जरिए ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने एक वीडियो की पोस्ट, जिसकी वजह से वो ट्रोलिंग का शिकार इन दिनों हो रही है। इतना ही नहीं, जहां कुछ समय पहले उनका एक बाथटब वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी बहन के साथ बाथटब में नहाती हुई नजर आई थी, और अब इस फोटो शूट से लोगों ने यहां तक भी कहा है कि अगर वो राखी सावंत के साथ रहेंगी तो ऐसा ही होगा। तो वहीं किसी ने कहा है कि उन्होंने आज तक सारा को पूरे कपड़ों में नहीं देखा है। अगर देखा जाए तो अपने स्टाइल और अपने ग्लैमरस के चलते सारा खान लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। नेक्स्ट नाइन लाइव से चित्रा की रिपोर्ट। वेल, सारा खान से लेकर राखी सावंत, वहीं निया शर्मा और करिश्मा भी इसी लिस्ट में शामिल हैं, जो अपने अटपटे कपड़ों को लेकर अपने फोटोशूट को लेकर सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल हो चुकी हैं। अगर देखा जाए तो यूं तो इनका लाइफस्टाइल काफी लग्जरियस होता है, लेकिन कई बार अपने इसी लाइफस्टाइल के चलते वो अपने फैंस के बीच इस तरह से घिर जाती हैं कि उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना ही पड़ता है। वहीं हम आपको ये बता चुके हैं कि ना सिर्फ बी टाउन की ये हसीनाएं, बल्कि छोटे पर्दे की ये हसीनाएं भी अपने कपड़ों के चलते, अपने ड्रेसिंग सेंस तो साथ ही साथ अपने फोटोशूट को लेकर भी कई बार ट्रोल हो चुकी हैं। वेल दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।